मुंबई के आजाद मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी का नया बयान सामने आया है। उन्होंने बजरंग दल को फिरका परस्त की जमात बताते हुए कहा है कि कांग्रेस ने इसे बैन करने का फैसला 70 साल पहले लिया होता तो देश बर्बाद नहीं होता। आगे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में भी कुछ सांप्रदायिक ताकतें थीं जिन्होंने देश का बड़ा नुकसान किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में फिरका परस्त की जमात बजरंग दल को बंद करने की बात कही थी। अगर उन्होंने यह फैसला 70 साल पहले लिया होता तो मुल्क बर्बाद नहीं होता। उन्होंने ऐसा कहा तो इस पर शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे दाखिल कर गलती की है। मैं समझा था कि गलती नहीं बल्कि अपनी गलती का तारुक किया गया है। उनका कहना है कि कांग्रेस अपनी 70 साल पुरानी गलती सुधार रही है। इख्तदार में नहीं आए मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। दो ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगल लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगल लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तदार उनके हाथ से न जाता।